ग्राउंड के बाहर शुरू हुआ भारत बनाम पाकिस्तान मैच। टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब पाक ने दी वर्ल्ड कप बायकॉट की धमकी। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन और BCCI के सचिव जय शाह ने सोमवार को अगले एशिया कप को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, इसलिए टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, उसे उम्मीद थी कि इस टूर्नामेंट के जरिए वह दुनिया की सबसे लोकप्रिय टीम को अपने घर में 15 साल बाद होस्ट कर सकेगा। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माला माल बनता और उनके देश के ऊपर से डेंजरस होने का टैग पूरी तरह से हट जाता। लेकिन टीम न भेजने के भारत के फैसले ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। इसके बाद पाकिस्तान अपनी आदत के मुताबिक धमकी पर उतर आया। उसकी ओर से आवाज आने लगी कि अगर भारत एशिया कप के लिए टीम नहीं भेजता है तो हम अगले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे। एशिया कप जुलाई अगस्त में होना है और वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में। पाकिस्तान की इस धमकी में कितना दम है? अगर भारत एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं भेजता है तो क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वह वर्ल्ड कप का बायकॉट कर दे? पहले जान लेते हैं बौखलाया हुआ पाकिस्तान बोल क्या रहा है। न्यूज एजेंसी PTI की खबर के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप के बायकॉट की धमकी देने के साथ साथ ICC और ACC का रोना भी रो रहा है। उसका कहना है कि इससे ICC और ACC को घाटा होगा। PCP के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगले महीने मेलबर्न में होने वाले ICC बोर्ड की बैठक के इस मुद्दे को उठाएंगे। PTI की खबर में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट रमीज राजा जय शाह के इस फैसले से काफी नाखुश। कोरोना पैंडेमिक से पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका का दौरा करना था। श्रीलंका बोर्ड को इस सीरीज के लिए स्पॉन्सर मिल गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण ये सीरीज नहीं हो पाई। BCCI ने श्रीलंका बोर्ड से वादा किया कि बाद में टीम इंडिया जरूर श्रीलंका दौरे पर जाएगी और उसके घाटे की भरपाई करा देगी। टीम वाकई बाद में श्रीलंका गई और वहां सीरीज खेल कर आई। इसके बाद श्रीलंका बोर्ड ने BCCI को अपना बड़ा भाई बताया था। पाकिस्तान के न होने से टूर्नामेंट के फाइनेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में दुनिया भर के करीब 10% क्रिकेट फैंस रहते हैं। फैंस के लिहाज से भारत की हिस्सेदारी करीब 60% है, लेकिन क्रिकेट फाइनेंस की बात करें तो भारत ग्लोबल अर्निंग में 80% कंट्रीब्यूशन देता है, वहीं पाकिस्तान महज 5%। लिहाजा पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप नहीं भी खेलता है तो भी टूर्नामेंट की वित्तीय स्थिति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल हैसियत के मामले में तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड BCCI के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकता। BCCI पाकिस्तान के बोर्ड से 36 गुना ज्यादा अमीर है। BCCI की वैल्यू 15,521 करोड़ है, वहीं PCB की वैल्यू महज 427 करोड़ रुपए है। अगर पाकिस्तान चाहे कि बिना भारत की भागीदारी के वह एशिया कप होस्ट कर ले तो यह भी मुमकिन नहीं होने वाला। एशियन क्रिकेट काउंसिल में अभी भारतीय प्रेसिडेंट है। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो उसे भी घाटा होगा। भारत के जैसे क्रिकेट को लेकर दीवानगी है, वैसी ही दीवानगी पाकिस्तान में भी है। ऐसे में वहाँ के फैंस अलग थलग हो जाएंगे। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।